हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सबों के लिए मैं फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम सिखाएंगे बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कैसे ओपनिंग ट्रायल बैलेंस और क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस को मैच करते हैं। तो इसी तरह के नॉलेजेबल बीजी एक्सेल टैली से रिलेटेड नॉलेजेबल टॉपिक वीडियो आप देखते रहिए हमारे चैनल पे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा बीजी ओपन हो गया है। बीजी में सबसे पहले हम देखेंगे कि ओपनिंग क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस कैसे मैच किया जाता है, क्या होता है ओपनिंग क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। जो नए 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 स्टूडेंट हैं या जो नए नए वर्क कर रहे हैं किसी कंपनी में, उनको शायद ये चीज़ नहीं पता हो, तो उनके लिए सबसे बेहतर वीडियो है ये ओपनिंग क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस के लिए। तो क्या होता है कि ओपनिंग क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस क्या होता है? सबसे पहले बात है कि जब हमारा आप लोग फाइनेंशियल ईयर समझते होंगे कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। एक साल से दूसरे साल में जाते हैं तो फाइनेंशियल ईयर, जैसे कि हमारा अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2021-22 फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, हमारा 2020-21 फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो चुका है। तो क्या होता है कई बार कि जब फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो जाता है तो कंपनी को स्प्लिट किया जाता है। कंपनी को एक पिछले साल के जो भी हमारे पास रिकॉर्ड्स होते हैं वो, और एक नेक्स्ट ईयर का जो रिकॉर्ड्स होते हैं उसको अलग किया जाता है, स्प्लिट किया जाता है। तो कंपनी स्प्लिट करने के बाद कई बार क्या होता है कि ओपनिंग क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आ जाता है। ये सारी चीज़ें क्यों होती है? क्योंकि जब हम पिछले साल में जो ट्रायल बैलेंस, जब फाइनल अकाउंट बनाते हैं, अपना बैलेंस शीट फाइनल करते हैं, तो उस टाइम में कई सारे प्रोविज़न की एंट्रियाँ डलती हैं जो कि शायद पहले नहीं डाल रखी होती है कंपनी में। या तो आप ऐसा करते हैं कि जब कभी आप जब आप फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो क्या होता है कि हमें सीईओ को डाटा देना पड़ता है। तो जब सीईओ को डाटा देते हैं तो, और हमारे जो करेंट डाटा है उसमें वर्क करते रहते हैं, और सीईओ के पास जो डाटा है वो अपना सीईओ उस पर वर्क करता रहता है, तो सीईओ उस पर अलग तरीके से अपने हिसाब से जो भी उसको एंट्री लगती है, सैलरी पेबल की होती है, जैसे बहुत एक्सपेंसेस पेबल जो भी आ जाते हैं, एडवांस कोई एक्सपेंसेस होते हैं जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो इन सब की पेबल रिसीवेबल या एसेट्स की एंट्रियाँ हमारे बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में डालते हैं। तो क्या होता है, ये सारी एंट्रियाँ डालने के बाद जो हमारे पास जो डाटा होता है उसमें वो नहीं आती वो सारी एंट्रियाँ, और हम अपने नेक्स्ट ईयर में प्रोसेस में लग जाते हैं कि हम नेक्स्ट ईयर की जो भी हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट है वो चलते रहता है। तो जब हम फाइनल अकाउंट हमारा बन के आ जाता है वहाँ से, तब हम देखते हैं क्या कि जो उनका जो ट्रायल बैलेंस है, क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस और हमारा ओपनिंग ट्रायल बैलेंस है, उसमें मिसमैच आते रहता है। उसमें कुछ चीज़ें, या कोई पार्टी का बैलेंस हो, या कोई प्रोविज़न हो एक्सपेंसेस का, इनकम का, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट पेबल, ये सब सारी चीज़ों जो कि पिछले साल में पेबल रहती है और नेक्स्ट साल में पेमेंट करते हैं, तो वो सारी एंट्रियाँ इसमें नहीं डली रहेगी। तो अब क्या करोगे आप, उस कंपनी को तो लेके नहीं चल सकते हैं क्योंकि उसमें बहुत पुरानी डाटा रहती है, तो उसमें जो हम करेंट डाटा की एंट्री जो कर रखे हैं वो तो नहीं होती है। अब ये तो संभव नहीं है कि इस सारी डाटा को उसमें एंट्री करें, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस मैच करते हैं। तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम आते हैं इसमें, हमारे बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हमारे डेस्कटॉप पर ओपन है। अब हम आते हैं इसमें, डिस्प्ले में होता है कि ट्रायल बैलेंस, ये ट्रायल बैलेंस है। अब ये क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, ओपनिंग, हम अब ये नेक्स्ट ईयर में आ गए हैं, 2021 में आ गए हैं, तो हमें 2019-20 का जो भी डाटा मिलेगा 2019-20 का, तो हम क्या करेंगे उस 2019-20 के डाटा का क्लोजिंग बैलेंस देखेंगे। हम उसमें 2021 के डाटा का क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस अल्फ़ाबेटिकल देखेंगे। तो हम क्या होगा, ये हमारा क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस आ गया, 1/4 का क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस है। ये सब सारा हमारा बैलेंस है कि 1/4 को ये बैलेंस आ रहे थे, लेकिन कि क्या होता है जब हम बहुत सारी एंट्रियाँ डालते हैं तो हमें मैच करनी पड़ती है एक ईयर से दूसरे ईयर को। तो हम क्या करेंगे, पिछले साल का क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस देख लेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया। तो आप क्या करोगे, जो हमारी पिछली डाटा है, जिस जिस कंपनी जिस ईयर का हमने फाइनल बैलेंस शीट बनाया है, बैलेंस शीट चेक किया है, उसको ओपन करेंगे, उसका ट्रायल बैलेंस लेंगे, और हमारा इस अकाउंट में अब जो हमारी करेंट रनिंग कंपनी है जिसमें हम डाटा एंट्री किए जा रहे हैं उसमें, उसका ओपनिंग ट्रायल बैलेंस लेंगे। और ओपनिंग ट्रायल बैलेंस को यहाँ पे 1/4 को देखेगा, रिपोर्ट डेट हो गया 1/4 को, ओपनिंग ट्रायल बैलेंस किस पार्टी का क्या है
आपको सारी चीज़ें आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा 1/4 2020 का हम यहाँ से ये हमारा ओपनिंग हो गया। अब हम पिछले साल का 31/3/2020 का क्लोजिंग देखेंगे, जो कि आपको वो CA वाले डाटे में मिलेगा, जो CA का डाटा होगा या उसमें जो फाइनलाइज करते हैं डाटा उसमें होगा। तो अब हम उसमें से देखेंगे, चेक करेंगे। अब देखेंगे इसमें क्या होता है, एक के जैसे कि अब उसमें उसका प्रिंट आउट ले लेंगे और इससे मैच करेंगे। उसके बाद उसमें जैसे जिस तरीके से जो जो पार्टी का जैसे जैसे बैलेंस होगा उसको यहाँ पे हमें उसनी की एंट्री करनी है, डेबिट है तो डेबिट, क्रेडिट है तो क्रेडिट। तो हम इसमें से मैच करेंगे कि पिछले साल का वो AKS मेटल का देखेंगे, अगर इतना बैलेंस है तो ओके है, फिर इसका देखेंगे इतना बैलेंस है तो ओके है, ये है तो इतना बैलेंस है यानी कि ये भी ओके है। तो ये सब सारे जो पार्टियों का बैलेंस होता है ये सब लगभग ओके ही होता है। कुछ चीज़ें जो प्रोविजन की एंट्रियाँ होती है उन सबों में डिफरेंस हो जाता है जब ट्रायल बैलेंस ओपन करते हैं। पार्टी डेबिट डेटर क्रेडिटर तो ठीक ही होता है कुछ एक्सपेंसेस में और कुछ एक्सपेंसेस पेबल में और कुछ सैलरी में। ये सब सारी सैलरी पेबल जैसे कि मार्च की सैलरी हम अप्रैल में पेमेंट करते हैं तो मार्च का एक्सपेंसेस होता है लेकिन अप्रैल में पेमेंट होती है, तो इसलिए वो सब एक्सपेंसेस पेबल में हो जाता है सैलरी वगैरह। अब नेक्स्ट ईयर में जैसे ही हम आते हैं तो वो एक्सपेंसेस पेबल वहाँ नहीं, वहाँ तो डल जाती है लेकिन इस कंपनी में नहीं डलती। जैसे मान लेते हैं ये कैपिटल इंडिया, ये कैपिटल इंडिया का बैलेंस 1 रुपया है, पिछले बार क्या किया उसने शॉर्ट एंड एक्सेस में 1 रुपया उसको ख़त्म कर दिया। तो हम क्या करेंगे, हाँ हम भी यहाँ पर 1 रुपये की जो एंट्री आ रही है उसको हम ख़त्म करके सेव कर देंगे। अब देखिए ये हम 1 रुपये यहाँ से हटा दिए। सबसे पहले तो आप देखिए जैसे ओपनिंग बैलेंस में आते हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं कि डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस कितना आ रहा है, 8,27,520 रुपये डिफरेंस ओपनिंग में आ रहा है। अब हम इसको मैच करने, इसको मैच करने का हम बता रहे हैं ऐसे करके। अब फिर जैसे कि ये आया JDJNN कंपनी, पिछले साल में देखा हमें पिछले साल का ट्रायल बैलेंस से हमने मैच किया तो पता चला इसमें 0 बैलेंस है, कोई बैलेंस ही नहीं है, इसको शॉर्ट एंड एक्सेस में डाल के ख़त्म कर दिया है CA ने। तो इसको क्या करेंगे, इसको एंटर करेंगे, हम भी ये जो 5 रुपये का आ रहा है बैलेंस इसको 0 कर देंगे, कोई बैलेंस नहीं यानी कि 5 रुपये का क्या 0। अब ये हम डाटा सेव कर दिया। अब देखिए कि जिस पार्टी को हमने सेलेक्ट किया था वो यहाँ पर पार्टी है ही नहीं। अब क्या होता है इसमें कि कैश हो गया, कैश का बैलेंस मैच है हमारा, जो कैश बैलेंस आ रहा वही है। अब क्या होता है कि इसमें जैसे GST इनपुट आउटपुट ये क्या पूरे साल का ये कैलकुलेशन कर रखा है, तो इसका जो बैलेंस होगा इनपुट आउटपुट का उस हिसाब से क्या करेंगे हम उसको डालेंगे। हमारे केस में ये इतना GST इनपुट आउटपुट ये हमारे पास 0 है, अब जैसे यहाँ पे 0 किया देख रहे होंगे कि हमारा डिफरेंस अब ट्रायल बैलेंस डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। फिर उसी तरीके से देखिए इनपुट हो गया या आउटपुट हो गया, इससे आउटपुट कुछ नहीं हमारा, इसको 0 कर देंगे। इसमें जितना होगा इनपुट आउटपुट में ये तो सारा GST पेबल में आएगा, इसमें GST इनपुट आउटपुट में आएगा नहीं, ओपनिंग में GST पेबल का एक अलग लेजर बनाते हैं फिर उसमें हम सारी पिछले साल एंट्री GST पेबल में हम डाल देते हैं। अब क्या हो गया IGST इनपुट, इसको भी हम 0 करेंगे। IGST आउटपुट इसको भी हम 0 करेंगे क्योंकि ये सब सारी एक ही जगह GST पेबल में सारी एंट्री आ जाती है। अब जैसे यहाँ पे आए अब चेक करते हैं, अब यहाँ पे अब 40 पैसे इसको भी CA ने शॉर्ट एंड एक्सेस में डाल रखा है, अब इसको 0 कर देंगे, इसको सेव कर देंगे। अब जैसे कि यहाँ पे SK लाइट्स है ये भी, इसका भी हमने शॉर्ट एंड एक्सेस में लेके ख़त्म कर दिया है CA ने, इसको भी हम 0 कर देंगे।
हाँ, हमने जीएसटी इनपुट आउटपुट सारे को हमने मैच कर दिया। अब एक होता है मेन जीएसटी इनपुट और आउटपुट, ये अभी ये बचा हुआ है जीएसटी इनपुट आउटपुट, ये भी सब सारे जीएसटी पेवल में एक ही बार एक्सपेंसेस डल जाते हैं, ये सब की ज़रूरत नहीं होती है। ये हमारा ओपनिंग है ना, आउटपुट अब ये प्रॉफिट एंड लॉस जो होती है ये भी आपको नील करना है, क्योंकि पिछले साल का जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तो इसका ओपनिंग हमें बिल्कुल ही जीरो करना है, ये तो जीरो होता ही है। इसको बार कई बार कई बार आप सारी बैलेंस मिला लेंगे, इसको जीरो नहीं करेंगे तो अपना आपका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस मैच नहीं होगा। अब जैसे कि हम देख रहे हैं, फिर भी हमारा अभी अभी ये जो डिफरेंस आ रहा है लगभग 15,59,000 का, ये डिफरेंस हमें अभी एडजस्ट करना है इसको, यानी कि अभी भी हम उसके ट्रायल बैलेंस के अकॉर्डिंग मैच नहीं हुआ है। तो हम उसमें जो भी हमारा पिछले साल का जो ट्रायल बैलेंस है उसको चेक करेंगे और इसमें उस बैलेंस को मिलाएंगे, फिर से चेक करेंगे दोबारा कि हमने कहाँ किसी पार्टी को गलती से डली है या नहीं डली है। तो हम क्या करेंगे इसमें, आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर 65 आ रहा है और यहाँ 49 आ रहा है, 49 यानी कि इस या डिफरेंस हमारा क्रेडिट में क्रेडिट बैलेंस कम आ रहा है। तो हमें इसमें क्रेडिट बैलेंस का जो कोई भी हमें लाइबिलिटी है उसको बढ़ानी पड़ेगी। तो इसमें एक जीएसटी पेबल हो सकता है इसमें लाइबिलिटी में, या एक्सपेंसेस पेबल, या और सारी चीज़ें। तो आप उसको एक लेजर अलग से क्रिएट करेंगे जिस तरीके से उसमें जीएसटी पेबल या पेबल बना रखे होंगे। तो इस केस में हमारे इसको ये हमारे यहाँ पे कैश का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, इसका तो डेबिट बैलेंस आना चाहिए। इसका जो हमारा पिछले साल में जो भी एंट्री डाली है कैश का क्रेडिट बैलेंस नहीं होता होना चाहिए कभी भी। हम इसको अब डेबिट बैलेंस करेंगे, लेते हमारे पास 2 लाख कैश है, 2 लाख का हम डेबिट बैलेंस बना देंगे। अब 18 लाख का डिफरेंस हो गया डेबिट बैलेंस। अब इसमें मान लेते हैं कि जो फायर और इलेक्ट्रिकल्स का है उसका कम बैलेंस है, इसका नील बैलेंस है, तो हमें इसको नील कर देंगे। संडे डेटर्स में आ रहा है इसका क्रेडिटर बैलेंस, इसको जैसे ही हमने कम किया ये हमारा बैलेंस अब पता चला कि उसमें कम है। अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस आ रहा है 4,27,245, यहाँ पे है 29। इस पार्टी का हमें कम करना है, इस पार्टी का पता चला कि कम बैलेंस है। इसको 25 का अब इसको जो भी बैलेंस आ रहा है बिल अगेंस्ट रखना है तो रखिए, नहीं तो इसको क्या कर सकते हैं हम, इसको डिलीट करते हुए आगे बढ़ते हुए।
ये हमारा बिल अगेंस्ट आ रहा है, इसको हटाते हुए जो भी हमारे एक्यूरेट है वो करेंगे, या बिल अगेंस्ट की पेमेंट करती है तो जो जो बिल की पेंडिंग है उसको रखते हुए इसको सेव कर देंगे। अब हमारे पास 3,92,000 का डिफरेंस आ रहा है। इसको और बैलेंस कम कर देते हैं। अभी भी हमारे पास 352 का डिफरेंस आ रहा है। इसको और हम अब देखिए हमारे पास 1,48,000 का डिफरेंस आ रहा है। ये अभी भी जैसे कि इसमें जो है इसका कम बैलेंस था, अब इसको कम बैलेंस करेंगे। अब हमारा फिर डेबिट में बैलेंस आ गया, तो इसको फिर से हम जितना बैलेंस आ रहा है उतना इसमें बैलेंस डाल देते हैं। 55,37,33.99। ये हमारा 3752 रुपये और इसमें ऐड करना है। 3752 यानी कि 3 है 6। ये डेबिट बैलेंस आ रहा है, ये डेबिट में कम करना है इसमें। एक बार फिर से चेक करेंगे ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस। तो आप देखिए अभी हमारे पास ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस मैच हो गया। तो इस तरीके से हम ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस मैच करते हैं और नेक्स्ट ईयर में कम सारे बैलेंस को फॉरवर्ड करके नेक्स्ट ईयर फॉरवर्ड करते हैं। तो आज का ये वीडियो था।
तक के लिए नमस्कार और दूसरे वीडियो बनाते हैं।